हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो आज हम बात करने वाले हैं द डर्माकोइज ब्रांड के बारे में। ये एक इंडियन ब्रांड है दोस्तों, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए हैं। सो दोस्तों, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ये ब्रांड जब मैंने डिस्कवर किया था तब मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों। आपको पता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो भी अवेलेबल है सब ऐसे कुछ अच्छे ऐसे क्वालिटी के नहीं है। आप 100% उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि अगर ऐसा एक ब्रांड इंडिया में आता है, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं तो बाहर से हमें इम्पोर्ट करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम दी ऑर्डिनरी दी इंकी लिस्ट के प्रोडक्ट परचेस करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है उनका प्राइस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। सो इनका जो नायसिनमाइड सीरम है 10% है, विटामिन सी सीरम भी 20%। तो मैं उन्हें परचेस करने का सोच रही थी, तब मुझे पता चला उनका एक सैंपल किट भी है, ट्रायल किट भी है, जो हम ट्राई कर से करके देख सकते हैं। तो मैंने इसे परचेस किया। ये सैंपल या ट्रायल किट आप बोल सकते हो, ये पिगमेंटेशन वाला है। इसमें और एक एक्ने वाला भी आता है। 149 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग आपको देना पड़ता है दोस्तों, और ये प्रोडक्ट्स आपको रिसीव होते हैं। इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से आया था, इसका शिपिंग टाइम भी बहुत अच्छा था, वो 3-4 दिन में मुझ तक पहुंच गया था दोस्तों। और इसे एक आउटर बॉक्स आया था और उसके अंदर ये बॉक्स आया था। पैकेजिंग बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और ये देखिए, ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं, वो हम देखते हैं अभी। सो ऐसा पैकेजिंग आया था दोस्तों। पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, इसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा और सिक्योर पैकेजिंग लगा। सो इसमें ये 4 प्रोडक्ट्स आए हैं। एक क्लींजर आया है दोस्तों, एक ट्रीटमेंट आया है, एक मॉइस्चराइजर है, और एक है सनस्क्रीन। और इनके कुछ पैम्पलेट्स भी आए हैं जिसपे सब लिखा गया है प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं ऑल दोस्तों। और अभी ये शूट करते टाइम वीडियो दोस्तों मुझे पता चला, ये दिस प्रोडक्ट इज मार्केटेड बाय होसाना कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों। मामाअर्थ का भी मार्केटिंग इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों भी ब्रांड एक ही कंपनी के हैं, क्योंकि एक मिनट में आपको कन्फर्म बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मामाअर्थ का मेरा एक पुराना टब पैकेजिंग है, और आप मार्केटिंग बाय देख सकते हो होसाना कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, सेम कंपनी है ये तो। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल गया रहेगा इस ब्रांड के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स के रिव्यू का जब टाइम आएगा तब मैं कुछ भी बायस नहीं करूंगी दोस्तों। जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जो ब्रांड का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इनके प्रोडक्ट्स परचेस करना कंसीडर कर रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पहला प्रोडक्ट है क्रीमी क्लींजर है फॉर सेंसिटिव स्किन। 30 ml इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी है। ये फ्रेग्रेंस एंड सोप फ्री है दोस्तों, और क्लींज और हाइड्रेट करेगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबिन एंड SLS फ्री ऐसा बोला गया है। पीछे जब मैंने इसका इंग्रेडिएंट देखा तो देखिए दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो, सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे है। सो मैंने इमीडिएटली इनको मैसेज भेजा कि ये क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। मैंने फोटो भेजा, नेक्स्ट डे मेरा मैसेज पढ़ा गया लेकिन वो इग्नोर किया गया। 2-3 बार मैंने और मैसेज किया लेकिन मुझे कुछ भी रिवर्ट नहीं आया, इग्नोर कर रहे थे। 12 दिन तक मैंने वेट किया दोस्तों, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हो वहां पे। सो उस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उस दिन भी मुझे कुछ भी रिवर्ट नहीं आया। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि जो भी है अपोलॉजी आई दोस्तों, और ऐसा लिखा गया कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। डू यू थिंक ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों? मैंने इनका मैसेज जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी कॉपी पेस्ट करके डाला है दोस्तों, क्योंकि जो भी रीड कर रहा है उनको भी पता चले इस ब्रांड का रिवर्ट आया है। इंडिया में कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के कारण कोई भी ब्रांड कुछ भी क्लेम करता है दोस्तों। बाहर के कंट्रीज में, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में स्किन केयर रिलेटेड जो कायदे हैं, जो कानून है, वो इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई भी ब्रांड की ऐसे करने की हिम्मत नहीं होती है, सच बोलूंगी तो।
और आपको सच में लगता है क्या इन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया, इन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया वो सही था? ये अगर प्रिंटिंग मिस्टेक ही थी तो इमिडिएटली आप जब मेरा मैसेज देखा तब मुझे बोल सकते थे। शायद से मैं समझ के भी लेती थी, सच बोलती हूँ, नया ब्रांड है, मैं सोचती थी मे बी हो गई रहेगी प्रिंटिंग मिस्टेक, या सीधा बोलते थे हाँ हमारे प्रोडक्ट्स में सल्फेट है, तो भी मुझे कुछ इश्यू नहीं था दोस्तों। लेकिन ये जो मुझे 13-14 दिन तक इग्नोर किया गया, और जब 100 लोगों ने ये बात देखी, 100 लोग अवेयर हो गए इस बारे में, तब आप मुझे मैसेज करके बोलते हो कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी दोस्तों, और मुझे नहीं लगता इस ब्रांड पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। 30 ml के ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा दोस्तों ये, और इसका टेक्सचर जो है एकदम क्रीमी है, बहुत अच्छे से ये स्प्रेड होता है। लेकिन फोम क्लींजर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी फोम नहीं होता है, बहुत ही क्रीमी है। जिनकी भी स्किन ऐसे इरीटेट रहती है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, जिनको फोमिंग क्लींजर पसंद नहीं है उनको ये पसंद आएगा। इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही छोटा है दोस्तों, इसमें सल्फेट से, अगर आप सल्फेट्स के साथ कंफर्टेबल रहोगे तो आप इसे यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का मुझे कुछ भी बुरा इफेक्ट नहीं हुआ, सो आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट इट, सो टेक योर ओन डिसीजन गाइज। सेकेंड प्रोडक्ट है कोजिक एसिड क्रीम, ये पिगमेंटेशन के लिए है, जो भी आपके स्किन पे पिगमेंटेशन रहेगा, डार्क स्पॉट्स रहेंगे, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ये 10 grams में आया था और इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी इसे रीड करने का और इस पे स्टडी करने की कोशिश नहीं की, सच बोलूंगी दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने इस पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, बिल्कुल भी रीड नहीं किया, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो भी मैंने देखना नहीं चाहा। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट्स है मैं यूज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मैसेज किए कि प्लीज आप यूज करके हमें बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे, तो इसीलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज किए दोस्तों। ये जो है पिगमेंटेशन क्रीम मैंने पूरा यूज किया है दोस्तों, इसका टेक्सचर जो है एकदम क्रीमी है दोस्तों, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, मैं इसे बस स्पॉट ट्रीटमेंट करती थी, और इसका जो फ्रेग्रेंस है माइल्ड है, बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रांग नहीं है। सो मेरे पिगमेंटेशन पे स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए ये 1 महीने से ज्यादा चला, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट हुआ नहीं दोस्तों, कुछ भी ऐसा अलग मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, इसका कुछ भी बुरा इफेक्ट भी मेरे स्किन पे नहीं हुआ, तो ऑल ओवर मुझे प्रोडक्ट कुछ इतना खास नहीं लगा। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों सेरामाइड हेलुरोनिक एसिड इंटेंस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, दोस्तों इसमें सेरामाइड्स है एंड हेलुरोनिक एसिड है, 25 ग्राम में ये आता है और ये 72 आवर मॉइस्चराइज करता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसके क्लेम्स है टाइप का। ये 25 ग्राम का ट्यूब आया था दोस्तों, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बस थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखा है, और ये देखिए एकदम क्रीमी ऐसा ये मॉइस्चराइजर है, ये ड्राई स्किन के लिए बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये ड्राई स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर पाएगा, ये स्किन में बहुत अच्छे से सिंक होता है, बिल्कुल भी ऐसा रेसिड्यू नहीं छोड़ता है ऑयली वाला या ग्रीजी वाला दोस्तों, मुझे लगता है ड्राई स्किन के लिए ये सफिशियंट नहीं रहेगा। मैंने इसे सिर्फ मॉर्निंग टाइम रूटीन में यूज किया है दोस्तों, क्योंकि नाइट टाइम रूटीन में मैंने एक बार यूज किया था, मुझे ये सफिशियंट नहीं लगा, तो आई एम नॉट श्योर कि ये ड्राई स्किन के लिए इतना अच्छे से वर्क करेगा। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मीडियम है, बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रांग नहीं है, और बहुत माइल्ड भी मैं नहीं बोलूंगी, बस मेरी नोज सेंसिटिव होने के कारण मुझे थोड़ा सा इसका फ्रेग्रेंस स्ट्रांग लगा, लेकिन ये मॉर्निंग टाइम के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया दोस्तों, एंड इसका कुछ भी ऐसा बुरा रिएक्शन मेरे स्किन पे नहीं हुआ। इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें 3 टाइप के सिलिकॉन है, 1, 2, 3, और 3 टाइप के सेरामाइड्स है, सेरामाइड 3, सेरामाइड 6, 2 एंड सेरामाइड 1, इसमें सोडियम हेलुरोनेट भी है। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो ड्राई स्किन के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन से जो है वाटर लॉस जल्दी होता है, तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स काम में आते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छे से मॉइस्चराइजिंग नहीं लगा, और दूसरा तो इसमें बहुत सारे सिलिकॉन्स है, काफी लोगों को सिलिकॉन अच्छे नहीं लगते, ऑल ओवर ये अच्छा था मेरे लिए। लास्ट है दोस्तों अल्ट्रामेट सनजेल अल्ट्रालाइट ऑयल फ्री है दोस्तों, SPF 60 है, PA 3+ है दोस्तों, ये 10 grams आया था, तो 10 grams सच बोलूंगी तो आपको हफ्ता भर भी नहीं यूज होगा। इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लीजिए, इसमें 3 टाइप के सिलिकॉन्स है, जिनको नहीं पसंद है सिलिकॉन्स वो अवॉइड कर सकते हैं, और इसमें 5 टाइप के यूवी फिल्टर्स है, उसमें से एक जो है वो फिजिकल है और बाकी के 4 जो है वो केमिकल है, वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, आप चेक कीजिए, उनका नॉर्मल पॉपुलर नेम और साइंटिफिक नेम दोनों भी मैंने शेयर किए हैं।
सो इस टाइप का ये ट्यूब आता है दोस्तों। और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये देखिए एकदम थिक क्रीम है, ये जेल बिल्कुल नहीं है, तो नाम पे मत जाइएगा। बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है लेकिन वाइट कास्ट ज़रूर छोड़ता है। मेरी NC35 स्किन टोन है और स्लाइटली एक या दो टोन ऐसा वाइट कास्ट ये छोड़ता है। वो हेल्दी दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन डीपर स्किन टोन पर ये वाइट कास्ट छोड़ेगा ज़रूर। जो भी मेकअप करते हैं थोड़ा सा, तो उनको प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो सिलिकॉनी टेक्सचर है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ करता है और पोर्स जो है उन्हें थोड़ा सा ऐसे ब्लर करता है दोस्तों। इसका कुछ भी ऐसा बुरा इफेक्ट मेरी स्किन पे हुआ नहीं। और इसकी खुशबू जो है वो फ्लोरल टाइप की है, थोड़ी सी मोगरा टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे मोगरा की जो फ्रेग्रेंस है वो पसंद नहीं है दोस्तों। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा ऑयली या स्टिकी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, बहुत अच्छे से सिंक होता है और बाद में भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली नहीं होती है। कुछ सनस्क्रीन आपको मैट फिनिश पहले देंगे लेकिन आधे एक घंटे बाद फिर से वो ऑयली हो जाते हैं, तो इस टाइप का नहीं है। तो दोस्तों बस यही था मेरा प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस। ये वाला जो सनस्क्रीन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर मेरा इस ब्रांड के साथ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता था तो मैं फुल साइज परचेस करती थी इसका, क्योंकि ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो दोस्तों आप डिसीजन लीजिए, अगर आपको परचेस करना है तो आप ज़रूर परचेस कीजिए। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन इस टाइप का जो भी एक्सपीरियंस होता है ये थोड़ा सा हॉरिबल है और मैं 100% इस ब्रांड पे विश्वास नहीं कर सकती। मैं डिसीजन आप पे छोड़ूंगी, क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन होता है। और जो बात मुझे अभी अभी पता चली है ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू शूट करते करते कि ये कंपनी मामाअर्थ का सिस्टर कंसर्न ब्रांड है। सो दोस्तों इस कंपनी पे आप 100% विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि मामाअर्थ भी जो ब्रांड है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट लिस्ट कंज्यूमर्स के साथ शेयर नहीं करता है। सो दोस्तों खुद के लिए राइट डिसीजन लीजिए और राइट स्किन केयर चुनिए। कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।